इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कांग्रेस को जो खाते सीज किया है सरकार ने, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, अब केंद्र सरकार तो हर राजनीतिक दल पे और जो उस राजनीतिक दल के प्रमुख लोग हैं उन पे दबाव बनाने का काम कर रही है। सारी एजेंसियां, इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, CVC, CBI, ये सारी संस्थाओं को उन्होंने लगा दिया है पीछे कि या तो BJP में आ जाओ या आपको जेल भेज दिया जाएगा। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि बिना साक्ष्य के मुख्यमंत्री तक को फरार होना पड़ रहा है। तो ये लोकतंत्र का माकोल उड़ते हुए, हत्या होते हुए पूरे भारत की जनता देख रही है। भाजपा में जो गए अजीत पवार, एक वो हमारे चौहान प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, ये सब उनकी वाशिंग मशीन में धुल गए, ये बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। तो देश की जनता आज नहीं, साल भर बाद, दो साल बाद ये सारी चीज़ें देख रही हैं। उसका आखिर कहीं ना कहीं दुष्परिणाम मोदी जी और भाजपा को भोगना पड़ेगा। देवास जिले में कई जगहों पर ऐसी जहाँ नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन अभी भी होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बुरी स्थिति है, नर्मदा जी को खोखला कर दिया है। देवास जिला, आसपास का सीहोर जिला, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खुद का विधानसभा बुधनी, रेटी, नसरुल्लागंज, सबसे ज़्यादा बुरी दुर्दशा नर्मदा मैया की वहाँ पे है। और अधिकारी आंख बंद करके बैठे कि कमीशन अधिकारियों का पहुंच रहा है, लेकिन एक तरफ हम माँ नर्मदा की आराधना पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से शोषण हो रहा माँ नर्मदा का। ये मोहन यादव मुख्यमंत्री, पहले शिवराज जी आंखें बंद करके बैठे रहते थे, अब मोहन यादव आँख बंद करके बैठे हैं। लेकिन माँ नर्मदा, जिस तरह शिवराज को हटाया, मोहन यादव जी को हटाएंगे। Thank you.